हेलो दोस्तों, बात करते हैं नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की। 100 रुपए का स्टॉक हो चुका है आज, बहुत अच्छी चाल रही है स्टॉक की और 41 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। बात करें स्टॉक की तो क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट अच्छा चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस एल्युमिनियम के काफी तेजी से बढ़े हैं, यही कारण है कि मेटल सेक्टर में थोड़ा सा उछाल देखने को मिलता है। बात करेंगे इस वीडियो में मोतीलाल ओसवाल के टारगेट्स की, नैल्को में क्या अभी भी बाइंग करना एक अच्छा सौदा हो सकता है आपके लिए या नहीं, लंबे समय के लिए खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करें या फिर मिड टर्म के लिए खरीदारी करें, टारगेट क्या होना चाहिए तीनों का ही, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नैल्को एक बेहतरीन स्टॉक है और जैसे ही ये ट्रेंड में दोबारा से वापस आया, बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदारी की। एक साल में ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिया है। आजकल अगर हाई आप लगाएं तो 200% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो जो तेजी बनी है स्टॉक में, एल्यूमिनियम के प्राइसेस में तेजी आने की वजह से, वही कारण रहा कि नैल्को को इतना ट्रेंडी स्टॉक माना गया और बहुत ज्यादा लोगों ने, चाहे FII हो, चाहे FPI हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उन्होंने जून क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बहुत तेजी से बढ़ाया था। ये बीच में नैल्को का प्राइस थोड़ा सा डाउन गया था, बट उसके बाद दोबारा से आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया है अभी समय पर। तो कहां पर आपको बेचना है वो डिसीजन भी आपको लेना है। अगर आपने 80 पे बाय किया है, 85 पे बाय किया है या 90 पे बाय किया है, ऐसा ना हो कि आपका टारगेट आए और निकल जाए और दोबारा स्टॉक गिरावट में आ जाए और आपको लॉस में निकालना पड़े। तो वो बात करेंगे हम यहाँ पर कि कहां पर आपको बेचना है स्टॉक को, कितना आपको यहाँ पर स्टॉक को रखना है, कितने दिनों के लिए, सब कुछ देखेंगे। बट उससे पहले चार्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए चार्ट जो रहा है ना आज का, वो काफी ठीक रहा है, बट दो चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। ये आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है आपका 101.85 का, ठीक है। लास्ट डे अगर आप देखेंगे आज से 3 से 4 दिन पहले, तो ये कैंडल भी हमारी यहीं पर आकर के रुकी थी, और आप देखेंगे आज की भी जो कैंडल है वो लगभग वहीं पर उसी लेवल पर आकर के रुकी है। ब्रेकआउट दिया इंट्राडे में, उसके बाद जो क्लोजिंग आई है हमारी वो बिलो द लाइन आई है, जिसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस थोड़ा सा परेशान करता हुआ आगे आने वाले दिनों में भी दिखाई दे सकता है। अगर कल की ट्रेडिंग में डिमांड अच्छी आती है और ये ब्रेकआउट देता है, तो अगला जो टारगेट होगा हमारा, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पर जाएगा 112 रुपए के आसपास। बट अगर कल ब्रेकआउट नहीं देता है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद एक डिमांड आने के बाद ब्रेकआउट देगा। खबरें अभी भी पक्ष में है नैल्को के, तो बेचना नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है। 100 रुपए का एक क्रूशियल लेवल था जो स्टॉक ने अचीव कर लिया है, वो आपके लिए खुशी की बात है कि 100 रुपए अचीव हो गया है, तो लगभग आपको शांति है। किसके ऊपर स्टॉक निकलने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अभी इस समय पर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी दिखाई देती है, काफी दुरुस्त कंपनी दिखाई देती है, यही कारण है कि यहाँ पर डिमांड आने के चांसेस भी हैं। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी खरीदारी करनी है आपको या नहीं, तो देखिए स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट मार्केट प्राइस से कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि इस कंपनी की कितनी वैल्यू है पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं, और वो वैल्यू अभी भी करंट मार्केट प्राइस से कम है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अराउंड समवेयर 140-145 के आसपास आती है शायद, है ना। और वो वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं या आप स्क्रीनर पर भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो खोला नहीं है मैंने, इसलिए तो वो घर छोड़ते हैं। बट अभी के लिए आप देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बिलो है करंट प्राइस, मतलब हाइयर है करंट प्राइस, जिसका मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और कोई भी स्टॉक खरीदने का मजा तभी है जब आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले, और डिस्काउंटेड प्राइस पर मिला है इसका मतलब खरीदारी के लिए आपको ऑलरेडी ऑर्डर लगा देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक साल में 178% और 198% का रिटर्न मिला है। थोड़ा सा अगर आप बिलो द प्राइस जोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, 30 रुपीज के आसपास, 31 रुपीज के आसपास, बट स्टिल 178% का रिटर्न मिला है। यही नहीं, जो सबसे बेहतरीन चीज है कि कंपनी ने आपको 200% का रिटर्न तो दिया ही है, साथ में डिविडेंड भी बहुत अच्छा ऑफर करती है। और अभी भी एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैल्को की जो रैली देख के सबसे आसान सवाल या सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही आता है कि क्या अभी भी बाइंग करें, तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट अभी भी है, गुड टाइम टू कंसीडर इट टू बाय, क्योंकि रीजन यही है कि ओवरबॉट जोन में नहीं है स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो RSI अभी भी आपका बिलो 70 है, 70-75 के नीचे है, और 75 तक तो आसानी से स्टॉक आपका जाएगा यार, 75 तो आपको बहुत आसान वैल्यू है कि 75 के ऊपर ही निकलेगा आपका ओवरबॉट जोन में निकल जाएगा। ये रीजन वही डिमांड बहुत है हमारे यहाँ पर, और एल्युमिनियम के जिस तरह से दाम बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी हेल्प करने वाला है इसे, तो होल्ड करके चलो स्टॉक को अगर आपने बाय किया है। अगर आपने बाय नहीं किया है तो बाय कर लो, कल का टाइम है आपके पास, और कल बाय करो और स्टॉक में अच्छा खासा मुनाफा आप कमा।
स्ट्रॉन्ग रेंज में है ये, और स्ट्रॉन्ग रेंज का ही स्टॉक बाय करना चाहिए। आप देखिए अगर हम वीकली चार्ट पर दिखाऊं तो कहां तक जाएगा ये, अगर आप बात करें तो कहां तक आपका स्टॉक निकलने वाला है। देखिए एक तो ये है कि यहां पर आपका एंट्री पॉइंट था, यानी कि यहां से थोड़ा सा गिरावट में आया, उसके बाद ऊपर गया, ये आपका ओवरबॉट जोन था जहां पर आके स्टॉक आपका रुका था और उसके नीचे गिरावट में आई थी, बट वो दोबारा ऊपर गया है। तो जब का टारगेट होना चाहिए 67 है, 75 तक जाएगा, यानी कि जो अगर आप मिड टर्म का टारगेट मांगे तो मिड टर्म का टारगेट समवेयर अराउंड 124 के आसपास आपका आएगा, यानी 124 तक आप इस स्टॉक को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। तो 124 का मिड टर्म का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, थोड़ा गिरावट में आएगा उसके बाद नीचे फिर ऊपर, तो 124 आसानी से आपका अचीव होगा। अभी भी आप मैग्डी देखेंगे, मैग्डी आपका हाईली बुलिश रन में है, और जो कि बहुत ही गजब की बात है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप मैग्डी देखते हैं और वो बुल रन में है, इसका मतलब है आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया मुनाफा हो सकता है। यही इसीलिए यही कारण है कि नेशनल एल्युमिनियम में मैं खरीदारी की सलाह देता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 107 का टारगेट था उनका, 8 अगस्त की रिपोर्ट है, और 107 रुपए तो आपको शॉर्ट टर्म में मिलने ही वाले हैं, तो खरीदारी क्यों ना करें हम यहाँ पर, ठीक है। आप ये रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के, या फिर ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पर जाकर के, दोनों ही जगह पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो 107 का मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म की बात करें अगर हम, तो इनका टारगेट अराउंड 165-160 के आसपास का है। वो रिपोर्ट आप पूरी पढ़ लेना, ये पेज की मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यस ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर तो FII FPI की शेयर होल्डिंग की भी एक बार नजर डाल लेते हैं हम यहाँ पर, कि भैया FII FPI की शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई थी जून क्वार्टर में 8.64% कर दी गई है, यानी कि स्टॉक में लगातार खरीदारी हुई है और लगातार स्टॉक में आप देखिए सितंबर 2020 में 7% FII की होल्डिंग, उसके बाद 7.22, उसके बाद 8.38, उसके बाद 8.64, लगातार चार क्वार्टर से ये इसमें पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के प्राइसेस में जो तेजी आने वाली है, जो तेजी आ चुकी है, उसका फायदा सभी उठाना चाहते हैं। आपको भी मैं बोलूंगा कि पीछे मत रहो और फायदा उठाओ, उसका खरीदारी करो। म्यूचुअल फंड की बात करें 8.93 से 10.92 कर 98 कर दिया, यानी 2% के आसपास की शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई थी। कब से शुरू कर दी, तीन क्वार्टर से 8.93, उसके बाद 10.98, तो कहीं ना कहीं ये 2 से 3 क्वार्टर से ये लोग अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। वही चीज मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप जब ये थोड़ा ऊपर जाए गिरावट हो वहां पर और बाय करो, और ऊपर जाए थोड़ा गिरावट हो और बाय करो, वही एक तरीका है आपको वेल्थ जनरेट करने का, ठीक है। बात मार्केट की करें, मार्केट स्टेबलाइज है, न्यूट्रल जोन में है, उसका खासा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। FII DII की खरीदारी आई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, बट आज जिस तरह का मार्केट रहा है, श्योरली यहाँ पर बाजार में एक ने बेचा है दूसरे ने खरीदा है, तो वो थोड़ा सा मोमेंटम माइनस करके चलिए, मार्केट न्यूट्रलिटी में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो है वो बुल रन में है, एंजॉय कीजिए बुलिश रन को और फायदा कमाइए यहाँ पर, ठीक है। तो 107 मोतीलाल ओसवाल का पहला टारगेट है, 160 का लॉन्ग टर्म मिड टर्म टारगेट है मीडियम में, और अगर बात करें 124 की तो ये मेरा टारगेट है। मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक मैं यहाँ पर अपने स्टेक है उसको बेचूंगा, ठीक है। खरीदारी करनी है या नहीं तो बिल्कुल खरीदारी करो। डेली चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, डेली चार्ट में आपको स्टॉक समझ में आया आसानी से कि डेली चार्ट में क्या करना है, डेली चार्ट में आपको खरीदारी करनी है और कहाँ पर खरीदना है। इस पॉइंट पर आप लगभग 97 के आसपास ही खरीदारी रखें। पहला जो टारगेट होगा 112 का, और उससे पहले अगर आप चाहें तो 107 के आसपास कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो खरीदारी करने की सलाह, बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो